दिस इज थ्री बेडरूम हाउस प्लान डिज़ाइन। ओके, इस प्लान डिज़ाइन में हम जो प्लान यहाँ पर देखिए 30 फीट बाई 43 फीट, तो इस प्लान में हम थ्री बेडरूम के साथ डाइनिंग ड्राइंग किचन सब कुछ यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस प्लान के अंदर हम बाकी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस प्लान में हमें क्या क्या मिलेगा, पहले तो यही बात है यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस प्लान के थ्रू यहाँ पर इधर भी हम और एक 10 इंच का यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टेटराइजर का पार्ट जो है इधर हमें ऐड करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमें और क्या करना है हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम जो किया था 5 फीट के साथ यहाँ पर पहले देख लेते हैं इसको हमने कितना मेजरमेंट के ऊपर हमने इसको रखा था 5 फीट। ओके, और भी हम 3 फीट करेंगे। तो इसका जो आउटसाइड वॉल, इसका जो आउटसाइड वॉल यहाँ पर हमने 10 इंच यानी 251 मिलीमीटर का हमने यहाँ पर आउटसाइड वॉल जो है प्रोवाइड किया है। ठीक है, कहाँ से मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर 10 इंच। ओके, तो 10 इंच यहाँ पर और इंटरनल जो है देखिए यहाँ पर 5 इंच। ओके, तो 10 और 5 का यही है इसका डिफरेंस वॉल के ऊपर। ठीक है, तो चलिए उसके बाद बाकी जो प्लानिंग है यहाँ पर हम कुछ प्लानिंग जो है ऐसे रखेंगे। यहाँ पर भी एक डोर हम प्रोवाइड करेंगे 7 फीट बाई 4 फीट, क्योंकि मेन डोर से जो घर के अंदर रहने का जो डोर ये थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, नहीं तो घर के अंदर आने का जाने का रास्ता में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, 7 फीट बाई 3 फीट ये जो रूम है इसका डोर, तो ये रूम क्या है इसको भी आपको पता चलना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखिए जो किचन होता है किचन का पार्ट हम किचन जो रूम यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है। इस किचन रूम में हमें किचन का जो पार्ट होता है यहाँ पर हमें 2 फीट 3 इंच में यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद जो पार्ट सिंपल तरीके से हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा 7 फीट बाई 3 फीट हाइट का जो है डोर यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया। तो कहाँ से आपको मिलेगा मेजरमेंट, देखिए यहाँ पर हम मेजरमेंट को यहाँ पर देखिए हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 3 फीट और यहाँ पर कितना है 7 फीट। ओके, ये आपको क्लियर हो गया एक एक रूम का। जहाँ पर चेंज हो जाएगा आपका डोर का पोजीशन, हम वहीं पर आपको अलग टाइप का मेजरमेंट देकर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए 7 फीट बाई 2 फीट 6 इंच यहाँ पर जो डोर यहाँ पर आएगा ऐसे। ओके, तो नेक्स्ट हम जाएंगे इधर, तो इधर हमें क्या करना है इस प्लान के अंदर 7 फीट बाई 2 फीट 6 इंच यहाँ पर भी हमें रखना है। ठीक है, तो इस घर के साथ इस रूम को हम ऐड कर देंगे। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा सा इसमें जो प्लानिंग है उसको आपको दिखा देगा। ठीक है, तो डोर अभी भी बाकी है इस घर का, तो हम यहाँ पर भी इस रूम का 7 फीट बाई 3 फीट जो है हम यहाँ पर एक डोर यहाँ पर फिट कर देंगे। चलिए उसके बाद हम इसका जो स्टेयर जो सीढ़िया होता है उसका हम यहाँ इस पोजिशन पर ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए स्टेयर यहाँ पर हमने ऐसे राइट साइड से क्लॉकवाइज स्टेयर ऊपर जाने का रास्ता यहाँ पर हम कर दिया। उसके बाद हमें और भी क्या ऐड करना है यहाँ पर जो है इसका विंडो का पार्ट यहाँ पर हमने करना चाहिए इसको ऐड। तो हम 4 साइड ओपन क्यों रखा है, क्योंकि 4 साइड में इसका जगह है। आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप इसको बंद करके जो साइड में आपका साइड में आपको ऑप्शन मिल रहा है वही साइड में आप सिर्फ विंडो को प्रोवाइड कर दीजिए। हम 4 साइड में रखा है, जस्ट एक ऑप्शनल विंडो का पर्पस, आप उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे होता है प्लान, क्योंकि एक प्लान हम नहीं बना सकते जो सिर्फ एक प्लॉट के लिए सही है। आपको हो सकता है प्लॉट हर तरह का चेंज हो सकता है पोजीशन, इसलिए हमें सिर्फ ऑप्शनल विंडो और ऑप्शनल प्लानिंग
बनाना चाहिए जिसमें सभी को हेल्प हो जाएगा, जिसके पास थ्री साइड ब्लॉक है उसको भी हेल्प हो जाएगा, जिसके पास टू साइड ब्लॉक, जिसके पास वन साइड ब्लॉक उसको भी हेल्प हो जाएगा इस प्लान को देखकर, क्योंकि सिर्फ विंडो का आपको करना है बंद, ठीक है। तो विंडो बंद करने से आपका जो प्लानिंग है उसका थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो यही है पार्ट, हम इसको इधर से डिलीट कर देंगे और इसके बाद जो विंडो है उसका हम यहाँ पर जो विंडो है यहाँ पर 4 feet 6 inches हाइट है इसका, और इसका जो है आउटसाइड में जो वॉल, यहाँ पर जो वॉल के पार्ट है इसका जो है 10 inches वॉल में हमने 5 feet वाइड और 4 feet 6 inches हाइट में विंडो प्रोवाइड किया है, ठीक है। एक एक रूम के अंदर यहाँ पर जो है ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम तो अंदर में है स्टेयर का फ्रंट में, ठीक है, ऐसा है प्लानिंग। तो चलिए उसके बाद हम इसके अंदर का जो पार्ट है उसको हम यहाँ पर जो इसके साथ जो इसका फर्नीचर हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ फर्नीचर हमने ऐड किया है, तो स्टार्टिंग से हम जाएंगे स्टार्टिंग। देखिए इधर घर के अंदर आने के लिए एक यहाँ पर डोर रहेगा, इधर कुछ चेयर, कुछ प्लांटेशन रहेगा, तो घर के अंदर भी हम कुछ प्लांटेशन ऐड कर सकते हैं आपको अगर चाहिए तो। यहाँ पर ये जो प्लांटेशन है इसको आप घर के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद घर के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ सोफा सेट, यहाँ पर दो टाइप का, इधर देखिए एक वार्डरोब है, ठीक है, कुछ सामान रखने का। उसके बाद घर के अंदर आने का यहाँ पर रास्ता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल जो हमने स्टेयर के नीचे प्रोवाइड किया है, उसके फ्रंट में देखिए डाइनिंग टेबल यहाँ पर है, उसका फ्रंट में एक हमने टीवी सेट यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर टीवी सेट यहाँ पर हमने किया है। उसके बाद हमें बेडरूम जाने का यहाँ पर एक रास्ता, तो बेडरूम के अंदर एक देखिए बेड, यहाँ पर सोफा, यहाँ पर अलमीरा, ओके, अलमीरा को थोड़ा सा हमें बाहर ले आना है, थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, तो चलिए। उसके बाद हम यहाँ पर एक टॉयलेट जो है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, यहाँ पर देखिए एक अलमीरा रूम के अंदर, यहाँ पर एक सोफा सेट, यहाँ पर एक बेड, ओके। नेक्स्ट हम जाएंगे कॉमन टॉयलेट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंड बाथ, यहाँ पर इसके साथ देखिए बेड, इसके पास बेड अलमीरा और यहाँ पर आपका सोफा सेट। नेक्स्ट हम जाएंगे किचन के अंदर इधर से, तो किचन के अंदर जाने के बाद देखिए किचन में जो है यहाँ पर सेटिंग, गैस ओवन चिमनी यहाँ पर जो जो पार्ट है सब कुछ यहाँ पर सेटिंग है। तो उसके बाद टॉप से देखिए इसको ऐसे दिखाई देगा, ओके, ऐसे 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 दिखाई देगा और आइसोमेट्रिक में इस टाइप का दिखाई देगा, ठीक है, तो ऐसे दिखाई देगा आपको। उसके बाद हम कुछ टेक्निकल पार्ट आपके साथ शेयर करेंगे, इसका मेजरमेंट क्या है, चलिए इसको शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिटेलिंग। 30 feet by 43 feet, तो इसमें देखिए बेडरूम टॉयलेट सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है, हमने जो ऐड किया सब कुछ यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। बाकी जो इसका मेजरमेंट हम यहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे इसमें आपको देखिए। और ये जो वॉल है आउटसाइड में हमने पहले दिखाया था आपको 10 inches का वॉल यहाँ पर, तो मेजरमेंट यहाँ पर यही रहेगा, देखिए 5 feet 6 by 7 feet जो एक्चुअल जो मेजरमेंट है हम यहाँ पर शो करेंगे आपके साथ। 8 feet इधर जो है देखिए ऐसे, 10 feet by 8 feet का किचन, ओके, और यहाँ पर जो पार्ट है देखिए 9 feet, इधर जो पार्ट है 10 feet 5 inches, तो ऐसे रहेगा इधर प्लान का डिटेलिंग। देखिए 8 feet 1 inch इधर में आपको 8 feet 10 inch और बेडरूम जहाँ पर है इस बेडरूम का 11 feet by 12 feet, पोर्च एरिया यहाँ पर 11 feet 5 inch बाय देखिए यहाँ पर 7 feet है, यहाँ पर भी आपको कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए 16 feet 11 inches by 10 feet 1 inch, तो इसमें यही रहेगा इसका प्लानिंग का डिटेल।
ओके, इसका टोटल स्क्वायर फीट कितना आएगा देखिए, 30 × 43 1290 स्क्वायर फीट, 1290 स्क्वायर फीट आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इस बिल्डिंग का कॉस्ट आएगा 20 लाख रुपीज, इसका कॉस्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर।